जनता कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर 32 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसे लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है और बवाल भी मच रहा है। हालांकि जनता कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी दोनों अलग अलग पार्टी हैं। पूरे मामले को लेकर JCCJ ने सूची को फर्जी बताते हुए कानूनी कार्यवाही की बात भी की है। इधर जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सोनवानी ने बताया है कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी हमने छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पर बवाल कर रहे JCCJ को हार का भय है, इसलिए सूची को फर्जी बता रहे हैं। सूची जो जारी हुआ है वो सभी सही है। जनता कांग्रेस हमारी पार्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है और देश के 8 से 10 राज्यों में हमारी पार्टी स्थापित है। छत्तीसगढ़ में हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, 2017 का रजिस्ट्रेशन है और 5 साल में अभी तक कोई आपत्ति नहीं आया। अभी चुनाव टाइम आपत्ति आ रहा है, मतलब जानबूझ कर वो इस टाइप का बवाल किया जा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो हार जाए और उसका सुपड़ा साफ हो जाए।